ये शब्द 5 बार बोलते ही मिनटों में जिनके लव लाइफ में बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ है उनके लिए ये बिल्कुल रामबाण उपाय लेकर के आया हूं। ये शब्द 5 बार बोल देना मिनटों में गुलाम हो जाएगा। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर बार आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपकी लव लाइफ, आपकी पारिवारिक मैरिटल लाइफ को ठीक किया जाता है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। शादी हो नहीं रही हो, शादी चल नहीं रही हो, शादी जिससे करना चाहते उससे नहीं हो रही हो, या उसकी शादी किसी और से हो रही हो, शादी विवाह से प्यार से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान तत्काल होता है। यहाँ पिछले 20-21 सालों से यही काम किया जा रहा है सिर्फ। और यहाँ 20-21 सालों में जो लोग सफल हो चुके हैं उनकी संख्या 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। और सक्सेस रेट यहाँ का 96%। कुल मिलाकर के इस यात्रा में सीधी बात कहें तो प्यार में 100% सफलता दिलाने का काम किया जाता है। प्यार, रिलेशनशिप और दाम्पत्य लाइफ, इससे संबंधित कोई भी समस्या है तो सीधा समाधान है यहाँ। यहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे लाभान्वित होते हैं, क्योंकि गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च जो होती है यहाँ, और रिसर्च करने वाले 1, 2, 4, 5, 10 लोग नहीं है, लाखों मंत्रों को पढ़ने वाले हजारों लोग हैं। 4,000 लोगों की टीम है यहाँ पर जो रिसर्च करती है। मैं 24 आर यानी 24 घंटे में से 20-22 घंटे आपकी सेवा में होता हूँ, आपके लिए कुछ कर रहा होता हूँ। जब तुम ठंड में आराम से अपने ब्लैंकेट और रजाई के अंदर होते हो, कदाचित कभी मैं उस समय भी ठंडे पानी में खड़े होकर के आप लिए कुछ कर रहा होता हूं। जब तुम गर्मियों में एसी में आनंद ले रहे होते हो, हम उस समय अपने आसपास आग जलाकर आपके लिए यज्ञ कर रहे होते हैं। आपके जीवन को बेहतर बनाना एक संकल्प है, उस पर हम निरंतर प्रयत्नशील हैं। शायद उसी चीज का परिणाम है कि यहां तत्काल प्रभाव मिलता है लोगों को, क्योंकि उपाय काम केवल नहीं करता, उसमें गुरु का आदेश और उसकी श्रद्धा, उसकी ताकत, उसकी तपस्या काम करती है, उसका बल काम करता है। जब गुरु आदेश किसी मंत्र में, किसी उपाय, किसी सोल्यूशन में डाल दिया जाए तो उसमें ताकत और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आपके काम क्यों नहीं होते आपको पता है? क्योंकि कहीं ना कहीं संदेह है आपको, आप अभी भी डगमगाए हुए हो। जब तक सारे नट बोल्ट टाइट नहीं होंगे तब तक गाड़ी नहीं चलेगी, ये बात लिख के रख लीजिए कहीं पर भी। अगर आपको सच में डेफिनेटली बेहतर होना है तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको ठीक होना है पहले। रोने से, परेशान होने से, दुखी होने से, उल्टा सीधा सोचने से, खुद को परेशान करने से, खुद को खत्म करने से, या खुद को अस्त व्यस्त करने से, खूब कुरूप हो जाने से, अपना रूप लावण्य समाप्त कर देने से सब ठीक होता है क्या? अगर होता है तो करिए, पर नहीं होगा। जब होगा तब ठीक करने से ही ठीक होगा, तो लग जाइए ठीक करने में। मेमना बकरी बनने के बजाय शेर बन जाइए, जीत जाएंगे आप। आज वो अद्भुत ताकत दे रहा हूं, अद्भुत मंत्र बता रहा हूं, ऐसी शक्तिशाली व्यवस्था दे रहा हूं जिसमें आपको बहुत प्रताप होगा, क्योंकि जपा सिद्धिर न संशया। इसमें संशय नहीं किया जा सकता, वेद कहता है। इस जप में, इस तप में, इस मंत्र में, इस साधना में, इस बल में, इस तपस्या में संदेह करना मूर्खता होगी, ऐसा वेद कहता है। सीधा वो 2 अक्षर का मंत्र आपको दे रहा हूं, और इस मंत्र में पूरे विश्व की शक्तियां समाहित हैं। पूरे मन से करना, पूरी श्रद्धा से करना, बस आपको 5 बार कहना है।
तत्काल मिनटों में गुलाम हो जाएगा आपका पति, आपका प्यार, जिससे भी तुम चाहते हो वो तुम्हारा होगा। जानिए विश्लेषण आपको सीधा उपाय की ओर लेकर के चल रहे हैं, उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव सुना रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। हेलो गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच गुरु जी। मैं तो 3 दिन से बहुत बीमार थी और ऐसा जब भी होता है तब भी मुझे बॉटल्स के बिना ठीक नहीं होता है, क्योंकि वो मेरी मेडिसिन मुझे सूट नहीं होती है, मुझे वॉमिटिंग आ जाती है और मुझे कम दवाई में और बॉटल की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। आपके आशीर्वाद से मैं ठीक हो गई हूँ, मुझे बिल्कुल बॉटल चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। थैंक यू सो मच गुरु जी। और मेरी पूजा चल रही है आपके वहाँ, गौरव जी जल्दी फोन करेंगे, वो जल्दी समझ जाएंगे, मैं जानती हूँ ये भी जल्दी हो जाएगा। और मुझे हमेशा से कंप्लेन थी कि क्यों मेरे पास मम्मी भाई ये सब ठीक से नहीं बात कर रहे, उनकी कोई हेल्प नहीं हो पा रही मेरी, वो मेरी मतलब मैं मुझे बेटी की तरह रख ही नहीं रहे, पर अब कोई कंप्लेन नहीं है गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू यू। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपका यकीन इस दिशा में है, इसलिए शायद सब ठीक हो रहा है। बहुत धन्यवाद आपका अपनी बात साझा करने के लिए। प्यार केवल रिलेशनशिप में ही नहीं, परिवार का भी प्यार चाहिए, खुद का भी प्यार चाहिए, शरीर का भी प्यार चाहिए, मन का भी प्रेम चाहिए, दिमाग का भी प्रेम चाहिए। जब सब तरफ से स्वस्थ हो गए तभी सब कुछ ठीक हो पाएगा। उस दिशा में तुम्हें हर तरफ से बेनिफिट मिल रहा है। बहुत धन्यवाद। सीधा उपाय की बात कर रहा हूँ। एक ऐसा मंत्र, एक ऐसी ताकत, एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी तपस्या का बल आपको सीधा प्रदान कर रहा हूँ, जिसमें आपको कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ 5 बार ये शब्द बोल देना है। 5 बार ये शब्द बोल देने मात्र से आपके अपने जीवन में प्यार बढ़ने लग जाएगा। अब आपको करना क्या है, ये 5 बार जो मंत्र मैं बता रहा हूँ, ये 5 बार सुबह 5 बार शाम को बोलना शुरू कर दीजिए। फर्क तो पहले दिन से पड़ेगा, पर रुकना मत। कब तक? जब तक पूरे ना हो फेरे साथ। उदाहरण में बता रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फेरे मतलब जब तक तुम्हारा काम कंप्लीट नहीं हो। बहुत ध्यान से करने की कोशिश करना। आपको मंत्र बता रहा हूँ, आपको मंत्र बोलना है ओम कां ह्लीम श्रीम। इसको 5 बार उच्चारण करिएगा। उच्चारण करते समय बायां हाथ अपने हृदय के सामने रखिए, दाहिना हाथ उसके ऊपर रख लीजिए और एहसास कीजिए कि आपका मिलन हो रहा है, और इस मंत्र को बोलते रहिए। इस मंत्र को बोलने के पहले ही इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको अपने इष्ट से, अपने गुरु को प्रणाम करके ये प्रार्थना करनी है कि हम ये ऐसा ऐसा चाहते हैं, फिर ये मंत्र बोलिएगा। क्योंकि जो भी तुम्हारी प्रार्थना होगी वो मंत्र कंप्लीट करेगा, ये ध्यान रखना। मंत्र एक तरह से पूर्णाहुति का काम करेगा, बस ये मंत्र बोल देना, फिर देखना एक अद्भुत शक्ति आपके साथ काम करने लगेगी। इसमें गुरु आदेश समाहित है, इसमें गुरु की शक्ति समाहित है, इसमें गुरु की तपस्या का बल समाहित है। आपको तत्काल बेनिफिट होगा। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना, फिर देखना तुम तत्काल बेनिफिट पाओगे। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना और अपना बड़ा ख्याल रखना। सकारात्मक हो जाओ, जीवंत हो जाओ, अच्छा रहने की कोशिश करो। ऐसे बनो कि तुम्हें खुद से प्रेम हो जाए, दूसरों को कैसे नहीं होगा। ठीक से रहने का प्रयत्न करो। तुम सिर्फ और सिर्फ अपना ख्याल रखो बच्चा, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूँ, तुम्हारे प्यार का, परिवार का, व्यापार का, काम धाम का, सबका ख्याल है, सब तरफ मैं हूँ। तुम मानोगे तो मुझे अपने साथ पाओगे, मान्यता महान है, करके देखो। ओम नमः शिवाय।